जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। आज से हम जी हरूफ तहज्जी जो हैं वो आपको लिखना सिखाएंगे कि हरूफ तहज्जी किस तरह लिखे जाते हैं और आप किस तरह अपने राइटिंग जो है वो उसको इम्प्रूवमेंट में लेके आ सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का ये राइटिंग का मसला होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि हम अपनी राइटिंग जो है वो उर्दू की राइटिंग किस तरह ठीक करें। तो आज से हम ये बकायदा राइटिंग की क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं और आप ख़ुद भी इसको देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी कहिएगा कि ये जो चैनल है इसको देखें और इस राइटिंग में आप भी शामिल होंगे। देखें जी, बिस्मिल्लाह से हम आज का काम शुरू करते हैं कि किस तरह लिखनी है। ये देखें, ये हम लिख रहे हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, हाँ मैं ज़रा थोड़ा सा दूर करके आपको दिखा देता हूँ। ये रख के ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है जी, ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये हमने लिखा है और इंशाल्लाह ताला हम आपको इसके बारे में सारा बताया करेंगे कि इसका हरूफ़ तहज्जी जो है, जब हरूफ़ तहज्जी लिखने हैं उसका स्टार्ट कहाँ से करना है, एंडिंग कैसे होगी। बड़े सिंपल सा तरीका, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई ये नहीं होगा कि समझ नहीं आ रही है या इसको क्या करेंगे हम, कैसे नहीं है। मतलब ये बाल पॉइंट के साथ अगर आप लिखना चाहें तो बड़े इजीली आप लिख सकेंगे। मतलब ये देखें, ये बाल पॉइंट से लिख रहा हूँ, ये देखें, और बड़ी आराम सुकून के साथ ये देखें हमने लिख रहा हूँ। वही इतना नहीं है, हम आपको सारा कुछ बताएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोज़ में, और फिर एक एक हरफ लिखना भी बताएंगे। दो दो हरफ जॉइनिंग लेटर में लिख के, मतलब जिस तरह लिखते हैं दो हरफ मिला के लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे हम, तीन हरफ कैसे लिखेंगे, फिर एक लफ्ज़ कैसे बनेगा, जुमला कैसे बनेगा, इस तरह ये सारा आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी इन वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह, उसमें मद, अलिफ, बे, जीम से लेके बड़ी ये तक ये सारा लिखना आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।